I will be return. In case management is not ready to take risk, then it is better to accept project X. Then it is better to accept project X. बोलो बेटा, बेटे मैं आपसे ये कह रहा हूं कि अभी अभी आपने जो भी क्वेश्चंस किए, मैंने जो कराए वो इंडिपेंडेंट प्रोबेबिलिटीज के कराए, ठीक है। मैं चाहता हूं कि मैं एक तो क्वेश्चन 64 और एक 65, ये दोनों क्वेश्चंस करा दूं आपको। मेरा ये मन है कि मैं 64 और 65 दोनों के दोनों क्वेश्चंस आपको करा दूं। एक बार आप सभी 64th को पढ़ना शुरू कर दें, करें बेटा पढ़ें। बेटे 64th में आपको दो प्रोजेक्ट्स गिवन है, एक कंपनी है और उसके पास दो प्रोजेक्ट्स हैं एक्स और वाई। प्रोजेक्ट एक्स बेटे 30,000 रुपए की आउटफ्लो है और प्रोजेक्ट वाई में 36,000 रुपए की आउटफ्लो है। एक्स की एनपीवी के एस्टीमेट्स गिवन है बेटे और इसी तरह से वाई के भी गिवन है। बेटे अभी जो क्वेश्चन किया था 62, उसमें हमें कैश इनफ्लोज दिए हुए थे। अब जो करेंगे इसमें बेटे एनपीवीज के एस्टीमेट दिए हैं, दोनों के किसी के भी एस्टीमेट हो सकते हैं बेटे, कि दोनों फ्यूचर की बातें करते हैं। फ्यूचर तो मैं इसलिए कराना चाह रहा हूं, उनकी बात नहीं है। आइए जी नीचे एक बार देखिए क्या क्या दिया हुआ है। वो कहता जी पहले तो इनकी एक्सपेक्टेड मॉनेटरी वैल्यू निकालिए, फिर स्टैंडर्ड डेविएशन निकालिए और फिर बताइए कौन सा प्रोजेक्ट ज्यादा रिस्की है। तो चलिए जी शुरू करते हैं। क्वेश्चन 64 आइए दोस्तों, मैं भूपेश आनंद आपके सामने लिखने जा रहा हूं स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ रिस्क इन केस ऑफ प्रोजेक्ट एक्स। सिनेरियो सिनेरियो वेरिएबल बेटे एनपीवी वेरिएबल है, मैं एक्स लेता हूं उसको। प्रोबेबिलिटी फिर डीएक्स फिर डीएक्स स्क्वायर और बेटे लास्ट में पीडीएक्स स्क्वायर। आराम से करना है, कोई जल्दी है ही नहीं, लास्ट क्लास है जी। जल्दी किस बात की, 1 2 3 4 बेटे चार सिनेरियोस की होने हैं। देखिए जी और बेटे प्रोबेबिलिटीज गिवन है, चलिए जी एवरेज एनपीवी निकाल लीजिए बेटे 3000 × 0.1 6000 × 0.4 12000 × 0.4 15000 × 0.1 बेटे मेमोरी 9000 आ गया जी। तो 3000 − 9 6000 − 9 तो बेटे −6 − 3 और बेटे 6
36, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, लो बेटे 2, 3, 4, 5, 6 आराम से। मैं क्या कर रहा हूं, मेरे को से जीरो नहीं पड़ा जा रहा, तो मैं क्या कर रहा हूं कैलकुलेटर में 3000 × 3000 × 0.4 मेमोरी प्लस 3000 × 3000 × 0.4, क्योंकि ऐसे जीरो लिखेंगे तो गलत हो सकते हैं, कैलकुलेटर थोड़ी गलत करेगा। 6000 × 6000 × 0.1 ये आ गया जी, देख लीजिए 144 लाख, आराम से देख लीजिए। अब बेटे मैं इसका स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल रहा हूं ऑफ प्रोजेक्ट एक्स, सिग्मा पी डी एक्स स्क्वायर अपॉन सिग्मा पी, 144 लाख अपॉन वन, लो बेटे 3794। बेटे मुझे लगता है यही आंसर है, हाँ बेटे यही है 3794। अब बेटे कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन भी निकाल दो, 3794 अपॉन 9000 एवरेज। बेटे करना वही है, मैंने खाली आपको कराकर दिखाना था, करना वही है मेरे बेटे 42, यही है बेटे 42%। चलिए जी प्लीज आप वाई का निकालिए और फिर मुझे लगता है आप कर सकते हैं, मुश्किल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 65 में आ रही है, सीएस में आए थे बेटे, ध्यान से देखना सीएस वाले बच्चे मेरे बेटे, 65 एक बार देख ले बेटे। आपको तीन प्रोजेक्ट्स गिवन है ए बी सी, इसकी आउटफ्लो, इसकी आउटफ्लो, इसकी आउटफ्लो, लाइफ लाइफ लाइफ। अब आप देखिए जी यहां पर कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन दिया हुआ है 0.4, 0.8 और 1.2, और आपको मालूम है जिसका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ज्यादा होता है वो रिस्की होता है, वैसे तो सॉल्व भी कर दिया मैंने, आराम से पढ़ लीजिए पहले क्वेश्चन नंबर 65। आपको डिस्काउंटिंग रेट्स बताने हैं बस बेटे और कुछ भी नहीं, मैंने नीचे सॉल्व कर दिया है, एक नोट लिख लीजिए बस, हायर द कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, हाई विल बी द रिस्क। बेटा जितना कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ज्यादा होगा उतना बेटे रिस्क ज्यादा होगा, और बेटे हायर द रिस्क, ये बात पहले भी बताई थी, हाई विल बी आरएडीआर। आराम से बेटे, कोई जल्दी है ही नहीं। आपको वो कह रहा है जी कैलकुलेट रिस्क एडजस्टेड एनपीवी, ये मैं वर्किंग नोट वन कह देता हूं, आप बताइए जी वर्किंग नोट टू में हम क्या लिखेंगे, रिस्क एडजस्टेड एनपीवी इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रिस्क एडजस्टेड कैश इनफ्लोस माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रिस्क या प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोस। चलिए जी आराम से बेटे मुझे बता दीजिए वर्किंग नोट थ्री में, वो कहता है अगर कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन 0.4 है तो आरएडीआर हम इसका कितना लेंगे, 12%।
इसका मतलब यहां पर आर एफ प्लस बीटा इंटू आर एम माइनस आर एफ की मदद से हम आर ए डी आर नहीं निकालेंगे। चलिए जी, तो आइए दोस्तों, मैं आपके सामने एक वर्किंग नोट फोर में ये कहना चाहता हूं, आर ए डी आर प्रोजेक्ट ए, आर ए डी आर प्रोजेक्ट बी, आर ए डी आर प्रोजेक्ट सी। ए में बेटे 12% है, बी में बेटे 14% है, तो बेटे 16% ए बी सी। ठीक है जी, देखिए जी, बोले हाँ जी। चलिए दोस्तों, मैं ए का निकाल के दिखाता हूं। वैसे तो नीचे सॉल्व किया हुआ है, स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ रिस्क एडजस्टेड एनपीवी फॉर प्रोजेक्ट ए, प्रोजेक्ट कैश फ्लो रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंटिंग रेट प्रोजेक्ट और ईयर लिख सकते हैं बेटे, 0, 1,00,000 रुपए की आउटफ्लो, 1 to 5 30,000, 30,000 ये लीजिए बेटा। अब बताइए जी, 3.605 है, कर लीजिए 30,000, ये आ गया जी 1,08,150। तो बेटे इसी तरह से हम करने वाले हैं, 8,150 यही आंसर है बेटे, बाकी तो मैंने फुल सॉल्व कर दिया है, फुल सॉल्व कर दिया है। इसी तरह से बी, इसी तरह से सी भी निकालेंगे। चलिए करके दिखाइए, अभी मैंने आपको एक नई चीज बतानी है, तो एक बार आप पहले उसको लिख ले, पर बेटे 2-3 मिनट की बात रह गई और कुछ ज्यादा है नहीं काम मेरे को, आपको ये बताना बेटे डिपेंडेंट प्रोबेबिलिटीज, तो लिख ले बेटे जल्दी से, फिर मैं शुरू करूंगा बेटे, बस खत्म होने वाला काम। डिपेंडेंट प्रोबेबिलिटीज कंसेप्ट नंबर 45, डिपेंडेंट प्रोबेबिलिटीज बेटे, इन केस सक्सेसिव ईयर कैश इनफ्लोस आर डिपेंडेंट अपॉन प्रीसीडिंग ईयर कैश इनफ्लोस, सक्सेसिव ईयर की प्रीसीडिंग ईयर पे, सक्सेसिव ईयर की प्रीसीडिंग ईयर पे अगर डिपेंडेंट है बेटे, हम यूज करते हैं डिसीजन ट्री अप्रोच। बेटे मैंने आपको अभी बताया था कि प्रोबेबिलिटीज दो तरह की हो सकती हैं, एक इंडिपेंडेंट और एक डिपेंडेंट। बेटे इंडिपेंडेंट में एक दूसरे से की कोई रिलेशनशिप नहीं, डिपेंडेंट में नेक्स्ट ईयर फर्स्ट ईयर से, थर्ड ईयर सेकंड ईयर से, सेकंड ईयर फर्स्ट ईयर से रिलेट करते हैं। अभी क्वेश्चन करके देखेंगे बेटे, ठीक है। डिसीजन ट्री अप्रोच, इन केस सक्सेसिव ईयर कैश इनफ्लोस आर डिपेंडेंट अपॉन प्रीसीडिंग ईयर्स कैश इनफ्लोस, देन वी यूज डिसीजन ट्री अप्रोच, कंसेप्ट 46। अब इस अप्रोच में करते क्या है, पेड़ बनाते हैं, डिसीजन ट्री बनाते हैं। पहले लिख ले फिर मैं समझाऊंगा। डिसीजन ट्री अप्रोच स्लैश नॉर्मल मेथड, दिस अप्रोच इज यूज्ड इन इवेल्युएटिंग द प्रपोजल्स, इन इवेल्युएटिंग द प्रपोजल्स
where the probability of subsequent occurrence, underline कर दीजिए please, subsequent occurrence is dependent upon previous outcome, successive is dependent upon previous, a decision tree is a pictorial representation. It is a pictorial representation of a decision problem. Aram Samade. Picture banayenge bete, ped ki picture banayenge abhi dekhna. A point likh liya. Ek bachcha keh raha gusse mein likh raha hu master. Likh lo bete. Aram se likh. Aage likhiye bete. बेटा ये डी पॉइंट नहीं लिखना, गलती से ये किसी दूसरे टेक्निक का आ गया है, अब मैं इसमें डिलीट करने का टाइम नहीं है, आप डी पॉइंट मत लिखे, ई को डी बना ले, मतलब डी मतलब अंडर सेंसिटिविटी सिनेरियो एंड सिमुलेशन एनालाइजेशन वी अज्यूम डिसीजन एट टी 0 एंड वंस मेड इट कैन नॉट बी रिवर्स, ये डी पॉइंट नहीं लिखना, ई पॉइंट से लिखिए स्क्वायर। अब बेटे ट्री जब बनाएंगे तो इसमें कुछ सिंबल्स यूज करेंगे, अ स्क्वायर इज अ डिसीजन नोड, a circle is a chance node, a square is a decision node, a circle is a chance node, decision tree is drawn from left to right, from left to right, aram se baithe rules likhiye pehle, स्क्वायर लिखिए, सर्कल लिखिए, डिसीजन ट्री लिखिए, लाइंस शुड नॉट क्रॉस, इफ दीज आर टू क्रॉस समहाउ क्रिएट अ ब्रिज, वो भी मैं बता दूंगा। लो बेटे क्या बना दिया, बेटे कंसेप्ट 45 बना दिया, इसमें तो एक ही पॉइंट था, फिर इसको लिख लिया, ये लिख लिया, ये लिख लिया, चलिए लास्ट कंसेप्ट लिखिए और बस फिर खत्म है डिसीजन ट्री के ऊपर, और एक टेक्निक रह जाएगी वो करेंगे 10 मिनट में, सिमुलेशन खत्म। मैंने कहा जी डिसीजन ट्री ग्राफ को पेंसिल और रबड़ से बनाइए, find out the different paths available in a project, find assume all paths are different projects, badi pyari pyari baatein likhi hain, and calculate NPV for different paths by preparing a separate statement, bas khatam hai beta। कर लिया जी, चलिए मैं इसको थोड़ी देर के लिए बंद कर रहा हूं और मेरी बात आप ध्यान से सुनिए जो मैं कहने जा रहा हूं, प्लीज 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 सुनिए। बेटा मैं ये कह रहा हूं कि इस दुनिया में बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो एक दूसरे पर एक दूसरे पर डिपेंड करती है, और बेटे अगर एक दूसरे पर डिपेंड करती है तो अब वो प्रोजेक्ट हम करें या ना करें उसके लिए हमें एक अलग से टूल का इस्तेमाल करना पड़ेगा जिसका नाम है डिसीजन ट्री टूल।
कभी आपने पेड़ को देखा बेटे? पेड़ को हाँ सर बहुत बार देखा है बेटे। पेड़ जैसे आप गांव में जाते हैं गर्मियों की छुट्टियों में, और उसमें आम का पेड़ होता है बेटे, उसमें कच्चे कच्चे आम लगे होते हैं, ये देखो कच्चे कच्चे आम है, और आपका मन करता है इनको तोड़ने के लिए, आप पत्थर फेंकते हैं, कई बार लगता है कई बार नहीं लगता। अब ये जो आम लटक रहा है ना, ये कहीं ना कहीं टहनी से जुड़ा हुआ है, और वो पत्ते हैं, पत्तों से जुड़ा हुआ है ये बेटे। इसमें हर एक चीज एक दूसरे से लिंक है, और कहीं ना कहीं सब रूट से लिंक है। अभी ध्यान से देखा आपने, एक टहनी उस पे, ये इस पे, ये इस पे, ये इस पे, बेटे सभी की आपस में रिलेशनशिप है बेटे। मान के चलो कि आंधी आई, भगवान ना करे आंधी आए, तो ये पेड़ किस तरह से बेटे नीचे गिर जाएगा। आप कई बार देखते हैं ये पेड़ बेटे ऐसे गिर गया, जमीन से उखड़ गया, और छोटे छोटे बच्चे फटाफट बेटे यहाँ के आम तोड़ते और खाना शुरू करते हैं बेटे, क्योंकि वो अब घर में ले जाएंगे इन कच्चे कच्चे आमों को और चटनी बनाकर खाएंगे बेटे। आप लेकिन एक बात देखिए, हर एक चीज इसकी हर एक पत्ता आपस में इंटरलिंक्ड है, जुड़ा हुआ है बेटे। बेटे बिल्कुल उसी तरह से मैं आपसे ये कह रहा हूं कि जब आप कोई कैपिटल बजटिंग प्रोजेक्ट करेंगे, यहां पर आउटफ्लो दी होगी, यहां इनफ्लो दी होगी, और एक वर्ष की इनफ्लो दूसरी वर्ष की इनफ्लो पर डिपेंड करती होगी, तो बेटे उस समय हम जो टेक्निक लगाएंगे उसका नाम है डिसीजन ट्री अप्रोच टेक्निक। क्यों बेटे? क्योंकि पेड़ में भी एक तरह का सब कुछ इंटरलिंक्ड होता है। तो बेटे मैं एक क्वेश्चन के थ्रू सारी बातें समझाऊंगा। आप ऐसा करते हैं जी, क्वेश्चन नंबर 66 आ जाइए, खोलिए प्लीज 6666 एक बार ओपन कर लीजिए। लीजिए, X is considering the purchase of a new plant। बेटे X जो है एक नया प्लांट लेने का सोच रहा है कि मैं प्लांट लू या ना लू, और उसकी आउटफ्लो 20,000 रुपए की है। द प्लांट इज एक्सपेक्टेड टू हैव अ लाइफ ऑफ 2 years विदाउट एनी सैल्वेज वैल्यू। द कैश फ्लोज एंड देयर प्रोबेबिलिटीज फॉर 2 years इज एज फॉलोज। बेटे पहले साल में 3 सिनेरियोज हैं, 8,000 की भी इनफ्लो हो सकती है, 11 की भी हो सकती है, 15 की भी हो सकती है। 8,000 होने की प्रोबेबिलिटी 30% है, 11 होने की प्रोबेबिलिटी 40% है, 15,000 होने की प्रोबेबिलिटी 30% है, और बेटे सेकंड ईयर में भी कैश इनफ्लो होगी। बट बेटे लिखा हुआ है इफ इन फर्स्ट ईयर कैश इनफ्लोस आर, अगर पहले साल 8,000 होगी तो दूसरा साल 4, 10, 15, अगर पहले साल 11 होगी तो दूसरा साल 13, 15, 16, और अगर पहले साल 15 होगी तो दूसरा साल 16, 20, 24। और बेटे 10% का रेट लिखा हुआ है, आपको बताना है विच प्रोजेक्ट इज बेटर। और बेटे पेपर में तो ऐसे क्वेश्चंस आते ही रहते हैं, तो मैं 66 कराऊंगा, फिर 67 का डायग्राम बता दूंगा। इजी है बेटे, कोई मुश्किल है ही नहीं, आप आराम से क्वेश्चन को पढ़ें, मैंने तो आपके लिए पढ़ दिया। प्लीज प्लीज क्वेश्चन को एक बार आराम से पढ़ें, मैंने तो पढ़ दिया बेटे। चलिए बेटे 66 में मैं एक नोट लिखना चाहूंगा घर के लिए बेटे, एज एज ईयर टू is dependent upon year one,
Hence, it is a case of dependent probabilities. Hence, it is a case of dependent probabilities. Hence, in order to evaluate, in order to evaluate the project, we will use decision tree approach. We will use decision tree approach. Aram se bete, koi mushkil hai nahi bete. अब मैं जैसे जैसे स्टेप्स करूंगा ना, आप ध्यान से देखना मैं क्या कर रहा हूं बेटे. मैं मेन आंसर शुरू करूंगा, मैं लिख रहा हूं स्टेटमेंट शोइंग इवैल्यूएशन ऑफ अ प्रोजेक्ट. मैं प्रोजेक्ट की इवैल्यूएशन कर रहा हूं. स्टेप नंबर वन, firstly with the help of pencil and rubber eraser, we will prepare a flow chart. हम बेटे एक flow chart बनाएंगे of decision tree. डिसीजन ट्री का हम एक फ्लो चार्ट प्रिपेयर करेंगे बेटे. तो बेटे आइए, मैं यहां पर फ्लो चार्ट बनाऊंगा. स्टेप वन में मैं ये मशीन लू या ना लू, एक्सेप्ट करूं या रिजेक्ट करूं, प्लांट लू या ना लू. अगर मैं प्लांट लेता हूं तो 20,000 रुपए की मेरी जेब से कैश आउटफ्लो होगी. और बेटे फर्स्ट ईयर में कुछ आउटकम्स होंगी बेटे. आउटकम को जीरो सर्कल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं बेटे. 8,000 भी हो सकती है कैश इनफ्लो बेटे, 11 भी हो सकती है और बेटे 15 भी हो सकती है. आराम से बेटे फर्स्ट ईयर में 8 हो सकती है, 11 हो सकती है, 15 हो सकती है. अगर फर्स्ट ईयर में 8 है तो सेकंड ईयर में बेटे 4 हो सकती है, बेटे 10 हो सकती है और बेटे 15 हो सकती है. मैंने अभी प्रोबेबिलिटीज का कुछ भी नहीं किया बेटे, करना भी नहीं है. पहले आप आराम से जो मैं समझा रहा हूं उसको समझ लीजिए. अगर पहले साल बेटे 11 हुई है तो दूसरे साल बेटे वो कह रहा है 13 हो सकती है, 15 हो सकती है और बेटे 16 भी हो सकती है. आराम से बेटे, कोई जल्दी है ही नहीं. और अगर बेटे पहले साल 15 हुई है तो सेकंड ईयर में 16 भी हो सकती है, 20 हो सकती है और बेटे 24 हो सकती है. आराम से देखिए, अब बेटे इसकी प्रोबेबिलिटी लिख दो 0.3 0.4, 0.3 और बेटे इसकी 0.2, 0.6, 0.2, 0.3, 0.4, 0.3, 0.1, 0.8 और 0.1. आराम से देख लीजिए बेटे, मैंने डिसीजन ट्री प्रिपेयर कर दिया बेटे. ईमानदारी से बताना, पेड़ जैसा लग रहा है ना, इसलिए इस टेक्निक का नाम है डिसीजन ट्री टेक्निक. अब आप यहां खड़े हैं और एंड तक पहुंचना है, बताओ कितने रास्ते. तो स्टेप नंबर टू, फाइंड आउट डिफरेंट पाथ्स अवेलेबल. फाइंड आउट डिफरेंट पाथ्स अवेलेबल इन डिसीजन ट्री. बेटे जो ऊपर बनाया है
उसमें अलग अलग पाथ कौन से, रास्ते कौन से? बेटे नो रास्ते हैं जो मुझे दिख रहे हैं, नो 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 नाइन 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 दिख रहे हैं बेटे। पहला रास्ता ये वाला है, ये देखो ये 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 बेटे। इसी तरह से दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा, सातवा, आठवा, नौवा, तो मैं लिख रहा हूं जी, देयर आर नाइन बेटे। है आसान, थोड़ा सा लंबा है, वो भी धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा। नाइन पाथ्स अवेलेबल इन द डिसीजन ट्री बेटे। डिसीजन ट्री में नो पाथ अवेलेबल है, आराम से बेटे। स्टेप नंबर थ्री, बस बेटे लास्ट स्टेप है, स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ एक्सपेक्टेड एनपीवी, स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ एक्सपेक्टेड एनपीवी ऑफ नाइन पार्ट्स बेटे। नौ पार्ट्स से उन सभी की एक्सपेक्टेड एनपीवी निकाल रहे। चलिए बेटे यहां लिखते हैं बेटे पार्ट्स, यहां लिखेंगे बेटे प्रेजेंट। पहले आप मुझे देख लीजिए मैं क्या क्या कर रहा हूं। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोस, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोस, एनपीवी, ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी अभी बताएंगे कैसे आएगी, और बेटे लास्ट कॉलम है एक्सपेक्टेड एनपीवी। ये बेटे ये लो, नाइन पार्ट्स है बेटे। तो मैं यहां पर लिख रहा हूं लोई। अब आपने ट्री को अपने सामने रखना है, मैं बार बार ट्री को अपने सामने रखूंगा तो नौ रास्ते दिखेंगे आपको। बताइए जी ट्री आपके सामने है, डिसीजन ट्री अब टेक्निक है, रिस्क अनसर्टेनिटी कर रहे हैं, कैपिटल बजटिंग में है, टेक्निक आसान है, थोड़ी सी लंबी है, प्रैक्टिस करेंगे तो टाइम बच जाएगा, घबराना नहीं है। जो डर गया सो मर गया, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी बेटे। वो झांसी वाली रानी थी, आप दिल्ली की रानी हो, बॉम्बे की कोई रानी है, कोई अल्मोड़ा की रानी है बेटे, करके दिखाओ। अगर आए हो इस दुनिया में कुछ करके तो जाओ बेटे। नाइन पार्ट्स हैं। अब मैं आपको एक बात कहने जा रहा हूं, अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको बहुत बातें समझ आएंगी। वैसे तो ये एक ही प्रोजेक्ट है, वैसे तो ये सारा प्रोजेक्ट एक ही है, लेकिन मैं चाहता हूं थोड़ी देर के लिए आप माने कि नाइन प्रोजेक्ट्स, मैं चाहता हूं थोड़ी देर के लिए आप माने कि नो प्रोजेक्ट है, नो प्रोजेक्ट है। तो बेटे नो प्रोजेक्ट है, तो बेटे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो तो 20,000 रुपए लगेगी, क्योंकि सभी में जीरो पीरियड में लग रही है बेटे। तो पहले आप मेरे कहने पे 20,000 रुपए की आउटफ्लो नाइन प्रोजेक्ट्स में अलग अलग लगा दीजिए। सोचिए कि ये प्रोजेक्ट्स आपके नाइन प्रोजेक्ट्स हैं और इन सभी की आउटफ्लो अलग अलग है। आराम से बेटे, कोई जल्दी थोड़ी है। अब आप देखिए जी, मुझे यहां पर निकालना था प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो, अब निकालना है इनफ्लो। आप बताइए जी इनफ्लो कैसे निकालेंगे, जरा देखिए दोबारा से ट्री अपने सामने देखिए। पहले पाथ में 8,000 रुपए की इनफ्लो रही है फर्स्ट ईयर और 4,000 की इनफ्लो रही है सेकेंड ईयर। बोलो हाँ, बोलो हाँ। पाथ वन में फर्स्ट ईयर में इनफ्लो रही है 8,000 और पाथ वन नहीं सेकेंड ईयर में इनफ्लो रही है 4,000। अब बेटे पाथ टू, पहले ईयर में 8,000, दूसरे ईयर में 10,000। तो बेटे आप इनकी प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे और मैं अभी आपके सामने निकाल के दिखा रहा हूं वर्किंग नोट थ्री में, फिर आप खुद करेंगे। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोस इन केस ऑफ
पार्ट वन आइए बेटे, ईयर वन टू कैश इनफ्लोस, और बेटे प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 10% है। लो बेटे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोस, लो बेटे 8,000, 4,000। अभी प्रोबेबिलिटीज का कुछ नहीं करना जी, 0.909 0.826 8,000 4,000 ये बेटे आ रहा 10,576। आराम से देख लो बेटे, मैंने एक तो कर दिया, बाकी मैं कैलकुलेटर से करूंगा, आप भी कैलकुलेटर से कर लें। इसको मैं कह रहा हूं टोटल ऑफ कैश इनफ्लो फॉर पाथ नंबर वन, ठीक है जी। तो मैं इसको यहां लिख रहा हूं जी, पहले पाथ में 10,576, अब मैं कैलकुलेटर से करूंगा बेटे, सीधी सी बात, आपको फैक्टर बताइए 0.826, तो यहां पर आ रही है, पाथ अपने सामने रखिए, 8,000 into 0.909